नमस्कार, हाय व्यूअर्स, रेसिपी कल्याणीज में आपका फिर से स्वागत है। व्यूअर्स, आज मैं बना रही हूँ दाबेली। दाबेली गुजरात की एक स्नैक्स रेसिपी है, इसे कच्ची दाबेली भी कहते हैं। दाबेली यानी कि दबाना या दबाया हुआ। चूंकि पाव के अंदर स्टफिंग को दबाया जाता है, इसीलिए इसे दाबेली कहते हैं और इसका ओरिजिन गुजरात के कच्छ इलाके में हुआ है, इसीलिए इसे कच्ची दाबेली भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है 1960 में केशव जी गावा सुदासमा जी इसे पहली बार बनाया था और आज यह एक फेवरेट इंडियन स्ट्रीट फूड बन चुका है। तो आइए बनाते हैं फेवरेट इंडियन स्ट्रीट फूड कच्छी दाबेली। इसके लिए मैंने ली है 4 पाव, 4 मध्यम साइज के आलू जिसको उबालकर छिलके उतारकर मैश करके रखी हूँ, 1 फाइन चॉप्ड ऑनियन, 5 फाइन चॉप्ड धनिया पत्ता, अनार के दाने, नारियल कतरे हुए, रोस्टेड मूंगफली जिसको क्रस्ट करके रखी हूँ, हल्दी पाउडर, स्वादानुसार नमक, बटर, सेव या भुजिया, और मैंने ली है 1 टेबल स्पून दाबेली मसाला। इसे बनाने के लिए आप 1 टेबल स्पून धनिया, 1 टेबल स्पून जीरा, 1 से 1.5 इंच दालचीनी के, 10 लौंग, 10 काली मिर्च, 8 छोटी इलायची, इन सबको पहले आप ड्राई रोस्ट कर लें। उसके बाद इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून चीनी और 1/2 टीस्पून नमक के साथ इन सबको एक साथ मिलाकर पाउडर बना लें। दाबेली बनाने के लिए हमें 2 तरह की चटनी की आवश्यकता पड़ती है, 1 इमली की मीठी चटनी। अगर इमली की मीठी चटनी अवेलेबल न हो तो इसे आप आम की मीठी चटनी या टोमेटो सॉस के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं, पर दाबेली इमली की मीठी चटनी के साथ अधिक अच्छी लगती है। और दूसरी लहसुन की चटनी, इसके लिए आप 2 सूखी लाल मिर्च, इसको आप पहले 1 घंटे पानी में भिंगो दें, 10 कलियां लहसुन के और 1 टेबल स्पून नींबू का जूस और स्वादानुसार नमक, इन सबको एक साथ मिलाकर एक स्मूथ पेस्ट बना लें। ज़रूरत पड़ने पर आप इसमें थोड़ी पानी भी मिला सकते हैं। सबसे पहले दाबेली का स्टफिंग तैयार कर लेती हूँ। पैन में मैं 2 टेबल स्पून बटर दी हूँ, बटर गल चुका है, अब इसमें मैं ऑनियन डाल देती हूँ। इसको थोड़ी हल्का भूनेंगे। ऑनियन हल्का भुना हो चुका है, अब इसमें मैं हल्दी पाउडर डाल देती हूँ, स्वादानुसार नमक डाल देती हूँ, नहीं दाबेली मसाले को डाल देती हूँ, इन सबको मध्यम आंच में थोड़ा भूनूंगी। मध्यम आंच में 1 मिनट भूनने के बाद इसमें मैं 1/2 कप के लगभग पानी डाल रही हूँ। आंच को तेज कर इसको थोड़ी देर पका लेती हूँ। अब इसमें मैं मैश किए हुए आलू डाल देती हूँ और 2 टीस्पून मीठी चटनी भी डाल देती हूँ और इन सबको अच्छी तरह से मिला लूँगी। मध्यम आंच पर इन सबको अच्छी तरह से मिला लूँगी। आलू का स्टफिंग तैयार हो चुका है, इसमें धनिया की पत्ती मिलाकर इसको मैं उतार लूँगी और 1 प्लेट में निकाल कर इसको गार्निश कर लूँगी। अब दाबेली की स्टफिंग को गार्निश कर लेती हूँ। सबसे पहले कतरे हुए नारियल डाल देती हूँ, थोड़ी मूंगफली डाल देती हूँ
अनार के दाने डाल देती हूँ। और थोड़ी सी कतरी हुई धनिया की पत्ती डाल देती हूँ। अब पाव में इस तरह बीच से एक चीरा लगा लेंगे। उसके बाद सबसे पहले लहसुन की चटनी दोनों तरफ अच्छी तरह से फैला लेंगे। उसके बाद इमली की चटनी को भी इसी तरह दोनों तरफ अच्छी तरह फैला लेंगे। अब इसके अंदर आलू की स्टफिंग को डालेंगे। अब इसके ऊपर कतरे हुए नारियल डालेंगे, थोड़ी सी मूंगफली के दाने डालेंगे, दो चार अनार के दाने डालेंगे और थोड़ी सी सेव डालेंगे और इस तरह इसको लगा लेंगे। अब ये दाबेली सिकने के लिए तैयार है। इस तरह बाकी पाव से भी दाबेली बना लेंगे। दाबेली को बटर के साथ सेक लेती हूँ। इस दाबेली में मैं एक टूथपिक लगा दी हूँ। मध्यम आंच में दाबेली को दोनों तरफ से बटर के साथ अच्छी तरह से सेक लेंगे। इसको दूसरी तरफ भी अच्छी तरह सेक कर निकाल कर सेव और नारियल और अनार के दाने के साथ गार्निश कर दूंगी। तो व्यूअर्स, ये रही गुजरात स्पेशल दाबेली। मैं चाहूँगी कि आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। मैं दाबे के साथ कह सकती हूँ कि बच्चे अगर इसे एक बार खाएंगे तो बर्गर खाना भूल जाएंगे। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।